तो बॉक्सिंग से जिस भी लोगों को प्यार है, जितने भी लोग मोहब्बत करते हैं, आज बॉक्सिंग की होने वाली है बात। इंट्रोडक्शन में आपने सुना कि हमने जिस शख्स के बारे में, जो मेरे राइट में बैठे हुए हैं, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और जो टूर्नामेंट लेकर आ रहे हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे इस वीडियो में। सो थैंक यू आरिफ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने एग्री किया कि हम बातचीत करें इसके ऊपर। पहले तो मैं जानना चाहूँगा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं हमारे व्यूवर्स को। सो मैं बॉक्सिंग से जुड़ा हूँ 2013 से। मैं हरियाणा स्टेट बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ जुड़ा था। मेरी कंपनी का नाम है स्पोर्ट्स उडल्स प्राइवेट लिमिटेड और हमने स्टार्टिंग करी थी हरियाणा स्टेट को स्पॉन्सर करने से नेशनल गेम्स के लिए। और फिर हमने एक वुमेन नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराई और मैं चेयरमैन भी रहा बिजनेस एंड मार्केटिंग का हरियाणा स्टेट बॉक्सिंग एसोसिएशन का। देन 2018 में मैंने द पंच बॉक्सिंग की शुरुआत करी, विच इज़ अ प्रोफेशनल बॉक्सिंग सीरीज इन इंडिया। तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग बिल्कुल ही डिफरेंट स्पोर्ट्स है एमएचओ स्पोर्ट्स के साथ। तो अभी तक हमने तकरीबन 7 शोज करे हैं, दिल्ली में, गोवा में, जयपुर में, देहरादून, मुंबई, ग्रेटर नोएडा, और अभी हम अपना नेक्स्ट शो करने आ रहे हैं गोवा के अंदर दोबारा से। और प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेम है, सबसे रिचेस्ट स्पोर्ट्स है, बट इंडिया में इसकी प्रेजेंस अभी तक नहीं है। तो उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने द पंच बॉक्सिंग की शुरुआत करी है और पंच बॉक्सिंग को बहुत ही हर जगह से एप्रिसिएशन मिली है, चाहे वो बॉलीवुड से हो, चाहे वो हॉलीवुड से हो, चाहे वर्ल्ड के बेस्ट बॉक्सर से हो, सबने हमें काफ़ी अप्रिशिएट करा और काफ़ी अच्छी ब्रांड्स ने द पंच बॉक्सिंग को सपोर्ट कराया। तो इट्स अ ग्रेट जर्नी। और इसके साथ साथ मेरी 2-3 लीग्स और चलती हैं। एक है AIPS क्रिकेट लीग, AIPS बैडमिंटन लीग और AIPS टेबल टेनिस लीग, जो कि पार्टनरशिप में है पब्लिक सेक्टर कंपनीज के साथ। ओके, अगर मैं जस्ट इन केस जो व्यूअर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और उनको थोड़ा सा फ़र्क समझा देते हैं जिनको बॉक्सिंग की दुनिया से उतनी मालूमात उनको नहीं है कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग क्या होती है और एमेच्योर बॉक्सिंग क्या होती है, अगर आप आसान शब्दों में समझा पाएँ। राइट, तो एमेच्योर बॉक्सिंग जो होती है वो फेडरेशन के अंडर खेली जाती है, जिसका रूट होता है जैसे कि पहले आपको डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बनना होगा, फिर आपको स्टेट मेडलिस्ट बनना होगा, फिर आपको नेशनल मेडलिस्ट बनना होगा और उसके बाद आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए जाते हो, जैसे कि ओलंपिक्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं। वहाँ से जीतने पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं, कैश प्राइज मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है वो पॉइंट सिस्टम है, रैंकिंग सिस्टम है, इसका अलग ही अपनी रैंकिंग है। इसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं और इसमें पर्स मनी मिलती है आपको प्रोफेशनल बॉक्सिंग में खेलने के लिए, चाहे आप जीते हैं हारे हैं उससे कोई मैटर नहीं है, आपको पर्स मनी मिलता है खेलने के लिए, आप कितने पेपर व्यूज सेल कर सकते हो। तो इट्स प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है एक कम्प्लीटली शो बिजनेस है, साथ ही बॉक्सिंग के स्किल्स के। अब क्या हुआ है कि पहले ऐसा था कि ओलंपिक्स में प्रोफेशनल बॉक्सर्स अलाउड नहीं थे, अब रिसेंटली पिछले 2-3 साल में ऐसा हुआ है कि ओलंपिक्स ने प्रोफेशनल बॉक्सर्स को अलाउ कर दिया है। तो हमारा जो अभी लेटेस्ट ओलंपिक्स हुए थे उसमें तकरीबन 4 मेडल्स जो हैं वो गोल्ड मेडल जो हैं वो प्रोफेशनल बॉक्सर्स ने लिए थे। तो आई थिंक प्रोफेशनल बॉक्सिंग और एमेच्योर बॉक्सिंग दोनों ही साइड बाई साइड चलनी चाहिए, इंडिया में दोनों का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आरिफ, मैं थोड़ा सा आप अपने टूर्नामेंट के बारे में बताएं, पंच बॉक्स के बारे में, शुरू में आपने बताया अपनी जर्नी में, थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दीजिए कि आइडिया कहाँ से आपको आया, क्या इंस्पायर कर रहा है, क्या ड्राइव कर रहा है इस टूर्नामेंट को कराने का, और क्या आपको दिखे सक्सेस के कुछ पैरामीटर्स, कुछ आयाम जो बताना चाहे हमारे दर्शकों के साथ। या तो मैं जब पहले एमेच्योर बॉक्सिंग से जुड़ा था तो मैंने देखा कि इंडिया में बॉक्सिंग का टैलेंट बहुत है। मेरे ख्याल से बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स हमारे पास होंगे, इंडिया के पास, मतलब किसी और स्पोर्ट्स से ज़्यादा बॉक्सिंग के पास होंगे। तो मैंने एमएचओ बॉक्सिंग की फ़ाइट देखी और जब हमारे पास वर्ल्ड चैंपियंस ऑलरेडी हैं, विजेंदर है, मैरी कॉम है, लुनावलीना है, निखत जरीन है, तब ये लोग ऑलरेडी हैं हमारे पास, तो हम प्रोफेशनल बॉक्सिंग में क्यों इतना पीछे हैं। US में आप मानोगे कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जो हाइएस्ट पे मिला है किसी बॉक्सर को वो 1800 करोड़ रुपए है फ्लॉयड मेवेदर का, और मैनी पैक्यो का 1200 करोड़, सिर्फ एक सिंगल फाइट के लिए। तो वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करी मेरे को यार, माइक टाइसन, मोहम्मद अली, फ्लॉयड मेवेदर, ये लोग इंटरनेशनली इतना पैसा बना रहे हैं और जब हमारे पास ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियंस हैं तो हम क्यों ना इस स्पोर्ट्स को इंडिया में लॉन्च करें, इंट्रोड्यूस करें। तो वो आइडिया, वहाँ से हमें एक आइडिया मिला कि यार हम प्रोफेशनल बॉक्सिंग को इंडिया लेकर आते हैं और इंडियन बॉक्सर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टेज पे आज भी। तो तब हमने पंच बॉक्सिंग की शुरुआत करी 2017 के अंदर, जब हमने अपना पहला शो दिल्ली के अंदर करा था। फिर उसके बाद हमारी ग्रोथ होती गई, हम देहरादून गए, गोवा गए, मुंबई गए, जयपुर गए, अब ग्रेटर नोएडा में हमने रिसेंटली 3 शोज़ करे, हमने लास्ट 3 शो, अब दोबारा हम गोवा जा रहे हैं।
और इससे क्या है कि जो सही माइलेज बॉक्सिंग को मिलनी चाहिए ना, वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग ला के दे रहा है। अब लोगों को बॉक्सिंग पसंद आने लग गई है, अब उन्हें शौक आ गया है बॉक्सिंग का। तो अब हमारे फाइटर्स हैं, इनकी सोशल मीडिया रीच बहुत अच्छी बन रही है, जिनको स्पॉन्सर्स मिलने लग गए हैं, तो ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग आने के बाद ही हुआ है। और आप मानेंगे कि आने वाले 2-3 साल में आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग को मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स के अंदर देखेंगे, खास करके द पंच बॉक्सिंग को। अच्छा आरिफ, ये सवाल मेरे मन में भी और बहुत सारे लोगों के मन में आ सकता है जो इस इंटरव्यू को देखेंगे, इस डिस्कशन को देखेंगे, कि डिफरेंशिएटर क्या है? बहुत सारे लोग कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं बॉक्सिंग का, एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग के कॉम्पिटिशन हर जगह हो रहे हैं, अगर आपको कुछ डिफरेंशिएटर्स बताने हो कि क्या डिफरेंशिएटर है आप जो टूर्नामेंट करा रहे हो उसमें? नहीं, डिफरेंस किसी के अंदर कुछ भी नहीं है, हम सब सेम ही हैं, जितने भी और भी प्रमोटर्स हैं, और द पंच बॉक्सिंग जो है हम सब सेम है, सबकी जो भी सैंक्शनड शोज़ हैं, हम इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल से सैंक्शन है, तो जो भी सैंक्शन शोज़ हैं वो सब सेम ही ऑलमोस्ट, और सभी फाइट्स की रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग प्लेटफॉर्म पर जाती है जिसका नाम है boxrec.com, वहीं पर हमारा पॉइंट टेबल चलता है, वहीं पर वर्ल्ड रैंकिंग चलती है, माइक टायसन के ज़माने से आज तक उसी रैंकिंग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो सारे सेम है। बस ये है कि हम अलग अलग पार्ट में इंडिया में अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग को प्रमोट कर रहे हैं, द पंच बॉक्सिंग डिफरेंट स्टेट्स में कर रहा है, ऐसे ही और प्रमोशंस हैं, कोई बॉम्बे में करता है, कोई दिल्ली में करता है, तो सभी सेम है, सभी कोशिश कर रहे हैं कि हम सब मिलकर प्रोफेशनल बॉक्सिंग को एक मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स में लेकर आए। 2017 में शायद हमारे साल के 2-3 शोज़ होते थे, आज हमारे 50 से ज़्यादा प्रोफेशनल बॉक्सिंग के शोज़ हो रहे हैं इंडिया के अंदर, तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, और मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 साल के अंदर हम 200 शोज़ को क्रॉस करेंगे, क्योंकि और भी मल्टीपल प्रमोटर्स आ जाएंगे, तो कोशिश कर रहे हैं सभी मिलके। द पंच बॉक्सिंग में आइडिया हमारा यही है कि हम बॉक्सर्स को जितना कुछ दे सकते हैं वो हम उनको मैक्सिमम देने की कोशिश करें, चाहे वो ब्रांडिंग है, प्रमोशन है, एक प्रोफाइलिंग है, और उनको इंटरनेशनल स्टेज पर देने में, हमारी बॉक्सिंग में काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स इंटरनेशनली आते हैं इंडिया, इंडियन फाइटर्स के साथ फाइट करने में, तो इंडियन फाइटर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है उसके साथ, तो यही एक सोच है कि सारे प्रमोटर्स की, और प्रोफेशनल बॉक्सिंग जिस दिन एक मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स में आ जाएगा, आई होप कि इंडियन बॉक्सर्स विल रूल द वर्ल्ड एंड विल मेक गुड ह्यूज मनी। अच्छा, मैं आपसे एक समझना चाहूँगा, क्योंकि एक फ़ैन के लिए भी मैं चाहता हूँ कि आप मैसेज दें, बट उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। विजेंद्र सिंह, उसके बाद लवलीना बोरगोहाइन, जब इन्होंने मेडल्स जीते ओलंपिक्स में, तो एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ लोगों का बॉक्सिंग में। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि बॉक्सिंग में अभी और भी अवेयरनेस के लेवल पर क्या करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि आप इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, कैसे हम अवेयर करें लोगों कि वो बॉक्सिंग के मैचेस ज़्यादा देखें? बिकॉज अगेन, कुछ स्पोर्ट्स डोमिनेट करते हैं इंडिया, पर कुछ स्पोर्ट्स को अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है। बेसिकली फ़ैन फॉलोइंग बॉक्सिंग की है, बट उसको और बढ़ाने के लिए हमें लोगों को उसके रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने पड़ेंगे। वंस दे अंडरस्टैंड कि यार जैब क्या होता है, पॉइंट सिस्टम क्या होता है, अपर कट क्या होता है, आई थिंक तब ऑडियंस को देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी वो ऐसा एंटरटेनमेंट देखते हैं कि हाँ दो लोग लड़ रहे हैं और ठीक है, बट जिस दिन वो समझने लग जाएंगे पॉइंट सिस्टम, जिस दिन वो प्रिडिक्ट करने लग जाएंगे यार ये फाइट ये फाइटर जीता है, तो आई थिंक तब वो करने की ज़रूरत है। उसके लिए लोगों का लगातार फाइट्स देखना बहुत ज़रूरी है, लगातार फाइट्स होस्ट होनी बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों के मीडियम से जो भी स्पोर्ट्स की न्यूज़ लिखते हैं, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो ये चीज़ कर सकते हैं कि लोगों को पॉइंट सिस्टम समझाएं, लोगों को रैंकिंग सिस्टम समझाएं, फाइटिंग स्टाइल समझाएं कि किस फाइटर का क्या फाइटिंग स्टाइल है। जब लोगों को ये समझ आने लग जाएगा, जैसे क्रिकेट में एक 6 साल का बच्चा ही बता सकता है कि LBW है कि नहीं है आज के टाइम में, कि वाइट बॉल है, नो बॉल है, यही बॉक्सिंग में होना चाहिए। बॉक्सिंग में जब बच्चों को ये चीज़, हार्ड कोर जो बॉक्सिंग है, जैसे हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे लोगों को समझ आती है बॉक्सिंग, बट यूजुअली मुंबई, दिल्ली, यहाँ पे थोड़ा भी कम है। तो धीरे धीरे जब अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ेगी, लोगों को ये स्पोर्ट्स समझ आने लग जाएगा, आई थिंक आप मानेंगे बॉक्सिंग विल बी द मेन स्ट्रीम इन इंडिया एंड विल बी ऑन टॉप। अगर फैंस को आपको मैसेज देना हो पंच बॉक्स के थ्रू भी और अदर भी, कि वो बॉक्सिंग देखें, और कुछ मैसेज फैंस को देना हो कि किस तरीके से आप सपोर्ट करें इसको, क्योंकि फुटबॉल में भी आपने देखा कि सुनील छेत्री को खुद आकर के एक वीडियो डालनी पड़े कि हम अच्छा खेले बुरा खेले आप आए ग्राउंड में और हमें क्रिटिसाइज करें हमें अच्छा लगेगा, वैसे ही फैंस को अगर आप मैसेज देना चाहें बिकॉज आप इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो क्या मैसेज देंगे आप? मैं फैंस को यही बोलूँगा कि आप एक वर्ल्ड के बिगेस्ट स्पोर्ट्स को मिस मत करिए, जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग स्पोर्ट्स है, जो वर्ल्ड का सबसे हाई वोल्टेज स्पोर्ट्स है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मनी मेकिंग स्पोर्ट्स है, जिसकी सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है पूरे वर्ल्ड में, आप वो स्पोर्ट्स इंडिया के अंदर है आप उसको मिस मत करिए। द पंच बॉक्सिंग को देखने आइए कभी भी जब हमारे शोज़ होते हैं,
और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपके लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस रहेगा बॉक्सिंग देखना। और एक बार ट्राई जरूर करिए देख के आने के लिए, चाहे ऑनलाइन देखिए चाहे लाइव स्टेडियम में देखिए, बट एक बार ज़रूर देखिए, एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस है आप। सो थैंक यू आरिफ, थैंक यू सो मच। और आपने देखा कि कैसे इन्होंने बॉक्सिंग से इनका कितना लगाव, और बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन जो पंच बॉक्स ये करा रहे हैं, प्रोफेशनल बॉक्सिंग, एमेट्योर बॉक्सिंग, हर तरह की डिस्कशन हमने करी। और इसको इन्जॉय करिएगा और बॉक्सिंग को सपोर्ट करिए, बिकॉज एज अ फैन हम भी अपने आप को फ़ैन ही समझते हैं, एज अ फैन आपको हर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी इंडिया डोमिनेट कर सकती है और इंडिया को आप तभी एक ग्लोबल स्पोर्टिंग कम्युनिटी के तौर पर जान सकते हैं। सो थैंक यू आरिफ एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, और जिनको भी कॉन्टेंट पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।